Hey guys, welcome back to my channel, and in this video we will discuss important short stories and non-fictional prose of MAG-7. So this is a demanding video that you are commenting again and again, और उन students को मैंने promise भी किया था कि मैं within 2 days इनकी जो video है वो provide कर दूँगी. So नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि कई students के इससे related message आए थे MAG-7 से related, तो उन students के लिए और बाकी students के लिए भी है ये. तो वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं. MAG-7 जो है दे हैव लॉट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़. इसका जो सिलेबस है वो बहुत हैवी है, लेकिन जो इसका रिपीटिशन और अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो. नाउ सबसे पहले बात करेंगे गाजर हलवा. गाजर हलवा बहुत 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 बार रिपीट करता, लाइक यू कांट स्किप दिस शॉर्ट स्टोरी. और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपका यू कहते ना एक अटेंशन सीकर शॉर्ट स्टोरी है. ओनली अमेरिकन फॉर आर विलेज, इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक ओल्ड पेरेंट्स हैं जो पढ़ा लिखा के अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, एंड व्हेन ही बिकम डॉक्टर ही फॉरगेट एवरीथिंग, हिज विलेज, हिज पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स स्ट्रगल, ईच एंड एवरीथिंग. तो जब वो अपने गांव में दोबारा जाता है तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, उस चीज़ को एलाबोरेट किया गया, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. नेक्स्ट स्टोरी जो इम्पॉर्टेंट है वो है मिरेकल. नो रूम फॉर लेपर्ड. नो रूम फॉर लेपर्ड इज यू नो रिलेटेड द हंटिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया और ऑल ओवर द कंट्री, कि किस तरीके से जो जानवरों को मारना है वो एक लोगों की हॉबी बन चुका है. कभी कभी वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए मारते हैं, कभी अपने बेनिफिट्स के लिए मारते हैं. तो अगर आपको डिटेल में पोइट्री पढ़नी है तो हमारे पुराने सक्सेस मेकर चैनल पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. दिस ऑल पोइट्रीज, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नॉन फिक्शनल प्रोज आर अपलोडेड ऑन इट. सो सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को भी अगर आपने नहीं किया. सेम नाम है उसका, सेम लोगो है. 500 समथिंग वीडियोज़ हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो मेन कंटेंट वहीं आपको मिलेगा, आप उसे कर लीजिए. उसके बाद आती है एस्ट्रोलॉजर्स डे. एस्ट्रोलॉजर्स डे बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है. इसके अंदर एक एस्ट्रोलॉजर को प्रेजेंट किया गया है, और प्रेजेंट सिनेरियो में जो आप देखते हैं कि जो पंडित होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, तो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर. लास्ट वन इज़ अ ट्रिप टू जंगल. अ ट्रिप टू जंगल में भी बहुत सारे फैक्ट्स और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है ये. और ये जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 6 शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखा है, 6 को ही क्यों लिखा है, तो इनका जो रिपीटिशन लेवल है दैट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इन द एग्जामिनेशन, दैट्स वाई आई मैंशनड हेयर. सो एटलीस्ट कांट स्किप दीज शॉर्ट स्टोरीज इफ़ यू वॉन्ट टू टेक गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स. अब अगर हम बात करें कि शॉर्ट स्टोरीज़ तो हो गई, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज़ का वीडियो मैंने अपलोड किया था, नाउ शॉर्ट स्टोरीज़. अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट नॉन फिक्शनल प्रोज. MAG-7 में पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, साइड बाय साइड नॉवल्स, इन सारी चीज़ों को असेंबल किया गया है. ये जो सब्जेक्ट है इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, बट यू नो सिलेबस इज़ लिटिल बिट लेंथी बट नॉट डिफ़िकल्ट, राइट. तो इम्पॉर्टेंट नॉन फिक्शनल की प्रोज की अगर हम बात करें तो गांधी जी का हिंदू स्वराज, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. और इन पे भी सेपरेट वीडियोस अपलोडेड है, हिंदू स्वराज पे भी और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पे. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी इस नेहरू जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है. एंड लास्ट वन इज नीरज चौधरी की जो ऑटोबायोग्राफी है, एन अननोन इंडियन. ये तीनों जो ऑटोबायोग्राफी है जो नॉन फिक्शनल प्रोज से है वो तीनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर मैं इन तीनों में से भी बात करूँ कि सबसे ज़्यादा किसका रिपीटिशन लेवल है या सबसे ज़्यादा कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो है गांधी जी का वर्क, हिंदू स्वराज और इनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना चाहते हैं. और अगर आपके अभी फ्यूचर का सपना है कि आगे आप नेट क्लियर करना चाहते हैं या टीचिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो एक 60% का टैग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए.
तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट और आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। डोंट इग्नोर टू हिट द लाइक बटन। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन एटलीस्ट हिट द लाइक बटन, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट क्योंकि उसको पहले बनाना है, पहले पेपर को एनालाइज करना है, फिर उसको बनाना है, रिकॉर्डिंग करनी है, आप तक पहुंचाना है, इन सब चीज़ों में एक वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। सो इफ़ समवन इज़ हार्ड वर्किंग फॉर यू ऑल गाइज, तो एटलीस्ट आप मोटिवेशन के लिए लाइक कर सकते हैं और किसी को शेयर भी कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आपके लाइक करने से ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट में बहुत पैसे आ जाएंगे या मुझे मेडल मिल जाएगा या फिर कुछ और आ जाएगा, बट एक होता है ना कि अगर आपने कुछ किया उसको प्रेस कर दो, तो आपका जो लाइक है वो क्या देता है, एक एनर्जी देता है। मुझे भी अंदर से एनर्जी आती है कि हाँ मुझे और काम करना है, और वीडियोज़ बनाना है। सो आई होप ये बहुत जेन्युइन चीज़ है। अगर आपको कंटेंट आपकी डिमांड पर मिल जाता है, आपकी रिक्वेस्ट पर मिल जाता है, तो आपके लिए जो मेहनत कर रहा है उसको भी एक लाइक तो दे ही सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।